और अवनि एक दूसरे के करीब आए हैं। आखिरकार उनके बीच रोमांस की सिचुएशन आ ही गई। जंगल की भागम भाग और मिस्टी के चक्कर में इन्हें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका कहाँ मिलता था, लेकिन अब इनकी जिंदगी से दूरियां दूर हो गई हैं और ये दोनों करीब आ गए हैं। कुछ एकदम ठीक ठाक से चल रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना भी बज रहा था, लेकिन फिर अचानक से कबाब में हड्डी आ गई। अब भाई हम तो हड्डी ही कहेंगे, लेकिन नील का कहना है कि कबाब में हड्डी नहीं बल्कि हड्डा आ गया। हड्डी नहीं है, वो हड्डा है। रोमांस हो रहा था, आई थिंक रोमांस को किरकिरा करने जो ही आ गई एकदम से। आई थिंक वो मिस्टी को ढूंढती हुई आती है और देखते कि यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, तो वो एम्बेरेस हो जाती है, हम भी थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। और तो आई थिंक ऑब्वियसली ऑकवर्ड वाली बात है, क्योंकि हम सबको लगता है कि घर पे कोई है नहीं और पीछे एकदम से जो ही आ जाती है। एक वाली है नील की पास्ट, तो दूसरी वाली है उसकी प्रेजेंट। अब इन दोनों के बीच नील को लेकर कभी न कभी तो खटास आएगी ही। एज ए ह्यूमन बींग, जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं और किसी अपने की वजह से भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और ना चाहते हुए भी आपसे बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं। सो आई थिंक सो जूही और अवनी के केस में भी वो होगा। वही दूसरी ओर जब भी नीला मिस्टी को देखती है उसे अवनी की याद आती है। अब भाई मिस्टी भी इस परिवार का एक हिस्सा हो गई है, तो उसका ख्याल हर कोई एकदम अच्छे से रखता है। कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए राइटर ने ये अच्छा खेल खेला है पति पत्नी और वो का, और ये वाला खेल तो हमेशा सुपर हिट ही होता है। क्यों नील, आप तो ये बात अच्छे से समझ सकते हैं ना? नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।